एक बच्चे ने मुझसे पूछा, अन्नदाता कृषक का क्या अर्थ है? मैंने उसे बताया कि अन्नदाता सीधा सीधा अर्थ अन्न देने वाला, अनाज देने वाला, कृषक माने किसान। अब मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या तुमने कभी किसान को देखा है? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी किसान को नहीं देखा। मैंने उससे पूछा, क्यों नहीं देखा? उसने कहा, पता नहीं, पर किसान कभी मुझे दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने किसान देखा है, तो बमुश्किल किसी एक आध बच्चे ने कहा कि हाँ, जब वो गांव जाता है तो उसने गांव में देखा, एक आध बच्चा, क्योंकि गांव ही खो गए हैं, ज्यादातर शहर बस गए। अब शहर में जो बच्चे रहते हैं उनको पता ही नहीं किसान होता क्या है। तो मैंने बच्चों से कहा कि जब भी तुम कहीं पर भी अपने माता पिता के साथ बाहर पिकनिक पर निकलो या दूसरे राज्यों में जाओ, तो उनसे कहो कि वो तुम्हें किसान दिखाएं। किसान आज भी भारत में हर जगह है, उनको देखो, किसान किस तरह से काम करता है, किसान से मिलो, उसके साथ थोड़ी देर बैठो। तो उसके साथ ही मैंने उस बच्चे के द्वारा लाई गई एक कविता अन्नदाता कृषक की उसके लिए व्याख्या की, उसे वो कविता समझाई। तो आइए आप सब भी उस कविता का आनंद लीजिए। पांव फटते ही जो मचाए विहग डाल पर शोर, शीतल मंद बयार जगाती चल उठ हो गई भोर। अब पांव फटने को समझो आप, जैसे आपने कोई कली देखी होगी ना गुलाब की, जब वो खिलती है तो उसके भीतर से जो हर एक लालिमा दिखाई देती है और चारों तरफ के जो हरे हरे पत्ते होते हैं वो हट जाते हैं, तो उस रोज बड की जो रेडनेस दिखाई देती है, वैसे ही आकाश के अंदर जब सूर्य उदय होता है तो सूरज की जो हल्की सी एक लालिमा और हल्का सा एक सूरज दिखाई देता है किनारा उसका, उसे पांव फटना कहते हैं। तो कहते हैं कि पांव फटने का समय, उस समय विहग डाल पर शोर मचाते हैं, विहग माने पक्षी, सुबह सूर्य के जगने के साथ ही पक्षी भी जग जाते हैं, हमारी तरह वो सोते नहीं रहते हैं 8-8, 9-9 बजे तक। तो पांव फटते ही जो मचाए विहग डाल पर शोर, शीतल मंद बयार जगाती। अब बयार माने हवा, वायु कैसी होती है, शीतल और मंद, सुबह की हवा। अब इस कविता की इन पंक्तियों को यदि समझना हो तो सबसे अच्छा है कि एक दिन भैया 4:30 या 5 बजे उठ जाओ, सब उठ के छत पर चले जाओ या बागीचे में या कहीं भी खुले आकाश के नीचे, और इन पंक्तियों को याद कर लो, तो व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ सामने दिखाई देगा। क्या सुबह की हवा कैसी होगी, शीतल मंद माने धीरे धीरे चलने वाली, और क्या कहती है किसान को वो हवा, चल उठ हो गई भोर, यानी किसान को ये हवा, ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाट, ये सब उसको उठा देते हैं सुबह किसान को। अब एक बात और ध्यान देना, हमको क्यों नहीं उठाती ये सब चीजें, क्योंकि भैया हम घर को चारों तरफ से बंद करके और एसी में सो रहे होते हैं या अपना हीटर चला के। जो किसान है, किसान खुले में सोता है, और खुले में पक्षियों का स्वर, ठंडी हवाएं और पांव फटने का दृश्य, ये सब उसे उठा देते हैं। आगे क्या कहते हैं, कांधे रख हल चल पड़ा वह कौन, किसान कंधे पर हल रख कर चल पड़ा। अब एक चीज और ध्यान देना, ये कविता कम से कम बहुत पुराने समय को सामने रखकर लिखी गई है, क्योंकि आजकल कोई भी किसान कंधे पर हल रखकर नहीं जाता, ट्रैक्टर हैं उनसे खेती होती है, वो कंधे पर हल रखकर चलने वाला जमाना आज से कोई 70-80 साल पहले का था, आज यानी 2019 से 70-80 साल पहले का, तो अब ऐसा नहीं होता, पर उस समय का दिखा रहा है ये कि कंधे पर हल रख कर वो किसान खेतों में चला जाता है। वृषभ सखा संग ले अपने, वृषभ माने बैल, बैल ही उसके दोस्त हैं, सखा हैं, उनको साथ लेके जाता है। अब बैल की जगह ट्रैक्टर ने ले लिए, तो जा पहुंचा निज कर्म क्षेत्र में, निज माने अपने कर्म क्षेत्र। अब किसान का कर्म क्षेत्र क्या है, उसका खेत, वहां पहुंच गया प्रातः लालिमा से पहले, सुबह की लालिमा से पहले ही किसान खेत में पहुंच जाता है। उसके कई कारण है, क्योंकि जितनी सुबह वो किसान खेत में पहुंचेगा उतने ठंडक के समय में बहुत अधिक काम कर पाएगा,
क्योंकि सूर्य के ऊपर चढ़ जाने के बाद खेतों में काम करना मुश्किल होता है, इसलिए किसान बहुत सुबह उठकर खेतों में चला जाता है। क्या कहता है किसान आगे, परिश्रम मेरा दीन धर्म है। मेरा दीन धर्म क्या है? वो कहता है मेरा एक ही धर्म है और वो क्या है, परिश्रम, मेहनत करना। विद्यार्थियों का भी यही दीन धर्म है, परिश्रम करना। ये बात अलग है कि वो बचते हैं करने से, किसान बचता नहीं है, विद्यार्थियों को भी नहीं बचना चाहिए। मंदिर है मेरे खलिहान, और जो उसके जो खलिहान है जहां वो अपने अनाज की भंडार रखता है, उसके जो भंडार हैं वही उसके मंदिर हैं। पूजा वंदना खेत है मेरी, और जो उपासना के लिए जिसकी वो उपासना करता है, पूजा वंदना करता है, किसकी करता है, खेत की। माटी में पाऊं भगवान, और भगवान के दर्शन वो कहां करता है? किसान किसी मंदिर के अंदर, मूर्ति के अंदर, वहां ज्यादा भगवान को नहीं देखता। उसे भगवान को देखना है तो उसको मिट्टी में भगवान दिखाई देते हैं, मिट्टी ही उसका भगवान है। उस मिट्टी से ही वो सोना पैदा करता है, अन्न पैदा करता है। कर्म भूमि के यज्ञ में संग है, अब ये बहुत बड़ा यज्ञ है उसका, इस कर्म भूमि का। और यज्ञ में आपने देखा होगा, जब भी आप घर में यज्ञ करते हैं, बहुत सारे लोग परिवार के इकट्ठे होते हैं, मित्र इत्यादि होते हैं, तो उसके साथ कौन है इस यज्ञ में, सुत बित बनिता और परिवार, उसके पुत्र पुत्री पत्नी और पूरा परिवार, सब लोग उसके साथ होते हैं। अन्न की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। और वो क्या कहता है कि अन्न की बाली, जैसे कानों में बालियां पहनती है ना स्त्रियां, वो बाली कहां से आया शब्द, अनाज की बालियों से। आप देख रहे हैं कि किसान के हाथ में ये जो फसल है उसके ऊपर जो ये दिखाई दे रही है बालियां, जिसमें फल लगता है या अनाज लगता है, अन्न लगता है, तो उसको बाली कहते हैं। और ऐसे ही तो झुमके होते हैं बालियां, उन्हीं को कहते हैं ना, इसलिए ये जो बाली शब्द पड़ा वो इसी से पड़ा है। और स्वर्ग का द्वार वो पा जाता है, स्वर्ग माने खुशी, समृद्धि, आनंद। उस आनंद का द्वार कहां से मिलता है, जब वो अपनी फसल को देखता है। मानवता का तू है मसीहा, अब हम उसके लिए क्या कह रहे हैं किसान के लिए कि तू क्या है, मानवता का मसीहा, इंसानियत का तू देवदूत है, सबकी भूख मिटाता है। क्या करता है, सब लोगों की भूख मिटा देता है, किसान ना हो तो सब भूखे मर जाएं। अवतारी तू इस मही पर, और किसान के लिए क्या कहा है, इस मही माने धरती पर तू अवतार है। किसका अवतार है, परमेश्वर का, और भगवान बहुत सारे होते हैं, तो किसान को कौन सा भगवान कहा है, अन्नदाता परमेश्वर। तू कौन सा भगवान है, अन्न देने वाला भगवान है, तू ना होता तो सारी दुनिया भूख से मर जाती। कृषक तेरी ऋणी रहेगी सकल जगत की मानवता। अब देखो धन्यवाद प्रकट किया जा रहा है कि हे किसान तेरी ऋणी रहेगी, कर्जदार रहेगी कौन, सकल माने सारे संसार की मानवता, जितनी भी इंसानियत है, जितने इंसान है, ये धरती है, सब तेरी ऋणी है, क्योंकि तू सबकी भूख मिटाता है। यदि न बोता अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। सोचो अगर किसान ना हो तो हम कहां से चीजें खाएंगे, ये जो तुम लोग इतने सारे पिज्जा बर्गर चाउमीन नूडल और मार दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या खाते हो, वो सारा पता है कहां से बनता है, किसान के अन्न उगाने से। ये मत समझना कि ये सब चीजें फैक्ट्री में बन जाती हैं, किसान अन्न उगाता है, उस अन्न के आटे से ही ये सब चीजें बनती हैं। तो किसान का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या करता है किसान, जीवन अपना मिटा के देता है तू औरों को जीवन। क्या करता है, औरों को जीवन कैसे देता है, अपना जीवन मिटाकर। कैसे मिटाता है अपना जीवन, सुबह से रात तक खेतों में लगा रहेगा, काम करता रहेगा हर समय। किसान को इधर उधर घूमने फिरने पिकनिक मनाने थोड़ी ना जा पाता है, दिन रात उसको अपने खेतों का ध्यान रखना होता है, फसलों का ध्यान रखना होता है, हजार काम होते हैं खेत में, तो उन सब की रखवाली देखभाल इन सब को करने के लिए तो अपना जीवन मिटा देता है। और उसको कहा है किसान को तो किसके समान है, सुर संत सन्यासी गुरु सम, सम माने समान, सुर माने देवता के समान, संतों और सन्यासियों के समान और गुरु के समान है तू, है आराध्य तू इस जग को, जग माने संसार, इस संसार का तू आराध्य है, पूरा संसार तेरी पूजा करता है। किसान याद होगा ना, लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था
जय जवान जय किसान, तो किसान की जय। और कैसे जय कर रहा है कवि? धन्य है तेरे पंच तत्व को। पंच तत्व माने शरीर, फाइव एलिमेंट से जो बना है। पंच तत्व कौन से होते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीर, ये पांच तत्व हैं। कहते हैं ये पांचों तत्व, ये तेरा जो शरीर है ये धन्य है। जिनसे रचा, जिसने रचा तन तेरा, जिससे ये तेरा तन रचा गया है तो तू धन्य है। नर रूप नारायण है तू, और तू क्या है? मनुष्य के रूप में भगवान है। देखता तो मनुष्य की तरह है किसान, लेकिन है भगवान। अभी कहा है ना पीछे भी कवि ने, कैसा भगवान है तू? अन्नदाता परमेश्वर। तो किसान को कहा है कि तू नर के रूप में नारायण है, भगवान है, और तुझे नमन शत शत मेरा, सौ सौ बार तुझे प्रणाम। कितनी बार? कोटि कोटि टाइम। चाहे तुम करोड़ों बार किसान को प्रणाम कर लो, फिर भी उसके कर्ज से, उसके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। किसान की इतनी बड़ी देन है इस धरती को। तो ये जो अन्नदाता कृषक है, इस कृषक का सम्मान करें, इसका मान करें, इसकी पूजा करें और इसको आराध्य माने। कवि ने यही कहा है। और हम भी आशा करते हैं बच्चों कि आप आज के बाद किसान के महत्व को समझेंगे।